हंट्समैन फेस्टिवल में देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस भी अपना जलवा बिखेरने से नहीं चूक रही हैं। बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में चल रहा है और इस फेस्टिवल में रेड कारपेट पर देश विदेशों की नामी एक्ट्रेस को इनवाइट किया जाता है। कांस में अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस फिर चाहे छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हीना खान हो या बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी सफलताओं को छूने वाली दीपिका और प्रियंका सभी अपनी अदाओं का जादू रेड कारपेट पर बिखेर रही हैं। वहीं इस फेस्टिवल में हर साल की तरह इस साल भी ऐश्वर्या राय ने अपनी खूबसूरती का जादू दिखाया। ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ रेड कारपेट पर पहुंची। येलो और ग्रीन कलर के फिशकट गाउन में ऐश्वर्या गजब की सुंदर दिख रही थी। ऐश्वर्या ने इस दौरान कोई ज्वेलरी कैरी नहीं की। ऐश्वर्या की ड्रेस को जीन लुइस सबाजी ने तैयार किया है। इंटरनेशनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉरियल पिछले कई सालों से कान का ब्यूटी पार्टनर बना हुआ है और भारत से ऐश्वर्या राय लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर है। यही वजह है कि ऐश्वर्या को कान में ब्रांड लॉरियल की तरफ से इनवाइट किया जाता है। ऐश्वर्या ने इससे पहले भी बेटी आराध्या के साथ कांस में अपना जलवा दिखाया था। इस बार भी उन्होंने फेस्टिवल में आराध्या का हाथ थाम रखा है और बीच में मस्ती भरे अंदाज के साथ आराध्या का हाथ पकड़कर घुमाया। ऐश्वर्या के कांस में एंट्री के लिए फैंस बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे और इस पर ऐश्वर्या का ऐसा लुक अपने फैंस को और भी ज्यादा दीवाना बनाने लायक है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।